for money. So I just... इंटरेस्टिंग. सो मैंने डिसाइड किया हूँ कि आज मुझे कहाँ जाना है. तो सडनली मैं उठा हूँ अभी मॉर्निंग में, तो मैंने सोचा हूँ कि आज कहीं चलते हैं. फ्राइडे है, फ्राइडे ऑफ है, तो मैंने सोचा हूँ कि लोनार झील चलते. लोनार झील जो है बुल्ढाना जिला में आता है, तकरीबन 180 किलोमीटर यहाँ से आता, मतलब वाकोट से 180 किलोमीटर आता है लोनार झील. तो 10 बज रहे हैं अभी, मैंने टाइम देखा हूँ, तो सॉरी वॉच नहीं है, तो 10 बजे है अभी, 10 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं. मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं फ्रेश होता, कपड़े पहनता और लोनार झील के लिए निकल जाता, ऐसा मेरा प्लानिंग है. सो देखते हैं क्या होता है. मेकर से मुझे जाना है और आगे, तो रास्ते में मुझे ये मिला है, बहुत अच्छा खूबसूरत नजारा है, आप देख सकते हैं, कोई डैम है ये. तो आगे चलते हैं, सफर आगे बढ़ाते हैं अपना, और चलते हैं अपने लोनार लेक, वो जो आपको दिखाना है आगे. अभी काफी टाइम हो चुका है, मैं आपको पूरी डिटेल्स नहीं दे सकता मुझे भी कहाँ जाना है, लेकिन 2:35 हो चुका है और मुझे जल्द से जल्द पहुंचना है लोनार लेक, उधर से वापसी भी आना है. तो बस अभी चलते हैं आगे. सो मैं पहुंच चुका हूँ लोनार. अब लोनार से ये आधा किलोमीटर का रास्ता है झील जाने के लिए, और हाय. सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ लोनार झील, और मेरे पीछे देख सकते हैं आप लोनार झील. 200 किलोमीटर का रनिंग करके आया हूँ यार गाड़ी से, देखने के लिए लोनार झील कैसा है. सो मैं आपको दिखाने वाला हूँ लोनार झील कैसा है. हमने बचपन में पढ़े थे लोनार झील के बारे में. यहाँ पे ऐसी कहानी है कि एक स्टार गिरा था, मतलब एक तारा गिरा था इस जगह पे, तो उसके कारण ही यहाँ पे झील बन गई थी. काफ़ी पुरानी बात है ये, तो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ ये सब चीज़ें कैसी है. लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूँ कि लोनार झील किधर साइड में होता है. लोनार झील क्या आने के लिए आपको, अगर लोनार आते हो तो लोनार आप किसी से भी पूछ लीजिए कि लेह लोनार झील के लिए रास्ता किधर है, तो आपको बता देंगे वो लोग. और आगे चलिए, मैं आपको फिर से और दिखाता हूँ. अच्छी बात मुझे ये लगी है कि यहाँ साफ़ सफाई बहुत अच्छी है. ये लोगों ने स्टार्टिंग में मुझसे कहा कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप गंदगी ना करो तो साथ में ना लेके जाए, जैसे विमल गुटखा पान मसाला वटेवर जो भी, तो साथ में वो नहीं लाने देते. तो यही कारण है यहाँ पे कि यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत है. पूरे रास्ते पर चल रहा हूँ मैं, जब से देख रहा हूँ कि सफ़ाई बहुत है यहाँ, और अच्छी बात है, सफ़ाई होना भी चाहिए. तो लोनार की सबसे एक अच्छी बात मैं आपको बताया हूँ कि सफ़ाई बहुत रखते हैं. और मैं आज अकेला ही ट्रैवल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ कोई आने वाला था नहीं. सुबह 12 बजे निकला हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एक्साइटेड था यार मैं यहाँ पे आने के लिए. सो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये देखो रास्ता जो है ना ये और भी नीचे है, और मैं जैसा आया हूँ ऊपर वो देखिए, ऐसे पैदल का रास्ता है, पैदल पैदल चलना है मुझे. और आज और बहुत खुश हूँ यार, क्योंकि लोनार आना था मुझे और मैं यहाँ लोनार आ चुका हूँ. सडनली मेरा प्लान बना है लोनार आने के लिए. अब देखिए लोनार लेक कैसी है. अरे और चलना है. यहाँ पर बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी है कि यहाँ साफ़ सफाई बहुत अच्छी है.
ये लोगों ने स्टार्टिंग में मुझसे कहा कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप गंदगी ना करो तो साथ में ना लेके जाए, जैसे विमल, गुटखा, पान मसाला, वटेवर जो भी, तो साथ में वो नहीं लाने देते। तो यही कारण है यहाँ पे कि यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत है। पूरे रास्ते पे चल रहा हूँ मैं, जब से देख रहा हूँ कि सफ़ाई बहुत है यहाँ, और अच्छी बात है, सफ़ाई होना भी चाहिए। तो लोनार की सबसे एक अच्छी बात मैं आपको बताया हूँ कि सफ़ाई बहुत रखते हैं, और मैं आज अकेला ही ट्रैवल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ कोई आने वाला था नहीं। सुबह 12 बजे निकला हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एक्साइटेड था यार मैं यहाँ पे आने के लिए, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखो रास्ता जो है ना, ये और भी नीचे है, और मैं जैसा आया हूँ ऊपर वो देखिए, वैसे पैदल का रास्ता है, पैदल पैदल चलना है मुझे। और आज मैं वेरी बहुत खुश हूँ यार, क्योंकि लोनार आना था मुझे और मैं यहाँ लोनार आ चुका हूँ। सडनली मेरा प्लान बना है लोनार आने के लिए। अब देखिए लोनार लेक कैसी है। आगे और भी चलते हैं, रास्ता थोड़ा छोटा है, जंगल का इलाका है, इस हिसाब से आराम आराम चलते हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। तो आप भी आइए, एंजॉय कीजिए, फैमिली को लेके आइए और लोनार झील झूमिए। हमने अक्सर किताबों में पढ़ा था, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया होगा कि हमने किताबें में पढ़ा था। अंकल इसका क्या नाम है, इसको क्या बोलते? दैत्य सुधा मंदिर। कौन सा? दैत्य सुधा मंदिर। दैत्य सुधा मंदिर। हाँ हो गया, पुराना है बहुत। हाँ पुराना है बहुत। हो गया, अब यहाँ से झील जाने के लिए इधर? नहीं इधर से जाना पड़ता। कितना है यहाँ से और? झील जाने तक तुमको 10 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा। और हाँ। आप चल रहे साथ? हाँ, वो पावती पावती लेना जाना। पावती लेना पड़ेगा? हाँ। कितने रुपए की पावती है? 30 रुपए की। दे दो फिर एक। आप कब तक के ड्यूटी पे हैं? 5 बजे तक। ओके, ये जो स्पॉट है यहाँ से मुझे अभी 30 रुपीज़ का टिकट लेना है और अंदर लेक जाना है, तो एक पर पर्सन 30 रुपीज़ यहाँ के टिकट के चार्जेस है जो मैं अभी ले रहा हूँ। आगे चलते हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर का और वॉकिंग डिस्टेंस है जो मुझे लेक तक के लेके जाएगा। उसके बाद मुझे फिर और रिटर्न भी आना है क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ से मुझे आज ही घर जाना है। तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं काम। एक जंगल को लेके मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप ऐसे जंगल में कहीं ट्रैवल करते हो तो मेरे ख्याल से आप लोगों को एक ऐसा डंडा लेना चाहिए जिसे स्टिक या लकड़ी कहते हैं हम लोग, तो ऐसे कुछ ले लेना चाहिए साथ में कि अगर कुछ इनकेस अगर जंगल में कोई जानवर या कुछ ऐसी काटने जैसी चीज़ या फिर कोई काटने वाला जानवर आ जाए तो आप इससे अपना सेफ रह सकते हैं, आप इससे सेफ रह सकते हैं। बचाव में ये आपके बहुत काम में आने वाला है। तो मैंने भी ले लिया होगा एक रास्ते से, तो आगे मुझे अगर इनकेस कुछ होता है तो ये मेरे खूब बचाव में आ सकती है, मेरे बचाव के लिए बहुत अच्छी है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी ये ले लेना चाहिए एक, कल कुछ हो तो, इसलिए मैंने ले लिया साथ में। तो अभी थोड़ा हाइपर हूँ, थक चुका हूँ बहुत क्योंकि मैंने एक सरी की गाड़ी चलाते हुए आया हूँ, तो मैं थोड़ा हाइपर हूँ। और मेरे ब्लॉग में अभी मुझे और भी इंटरेस्ट लाना है, मुझे अपना ब्लॉग बहुत अच्छा बनाना है और आप लोगों से उम्मीद है, करता हूँ कि मेरा ब्लॉग आप देखें। मेरी स्टार्टिंग है यार ब्लॉगिंग की, तो आप आई होप कि मुझे समझ सको कि ये ब्लॉगिंग कैसी करना है। ओह माय गॉड, वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। सी मेरे पीछे देख सकते हैं आप, एक दरगाह है जो मैं आपको आते वक्त हुआ तो बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आप ये देख लीजिए कि ये दरगाह है और मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे दरगाह भी है, मंदिर भी है, अच्छी बात है, यहाँ होना भी चाहिए ऐसे जगह पे, थोड़ी हिस्टोरिकल प्लेस पे अक्सर दरगाह और मंदिरें होती है। हमारे हिंदुस्तान की यही तो एक पहचान है कि हम मजहब से पहचाने जाते, हम लोग एकता से पहचाने जाते। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि मेरे ब्लॉग में भी मैं यही बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम एकता से रहे। देखो ना, आगे मंदिर है, यहाँ दरगाह है, बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए कि हम लोग एक साथ में रहते हैं, दुनिया को बताने के लिए कि हम जो है एक है, हम में एकता है और हम हमेशा यही रहेंगे और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। थैंक यू। फाइनली हम कम, इट्स लोनार झील, इट्स अ वेरी ब्यूटी प्लेस। फाइनली हम रीच।
देख सकते हैं लोनार झील। मैं लोनार झील आ चुका हूँ। काफ़ी गंदी है लोनार झील, पता नहीं बहुत पुरानी है, इसलिए यहाँ की मिट्टी जो है बहुत जंगली है। मतलब आई मीन के जो नज़दीक में है मैं जा नहीं पाऊँगा वहाँ पे। पीछे मेरे देख सकते हैं आप लोनार झील, पानी साफ नहीं है, लेकिन देख लीजिए आप, मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ लोनार झील, तो आप देख लीजिए। और बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं अपने ब्लॉग पे, तो आई होप यू कि मुझे मेरे ब्लॉग पसंद करते होंगे, और मैं धीरे धीरे ऐसे ही अपने ब्लॉग बनाने वाला हूँ आगे भी। तो पहले सेकंड थर्ड ब्लॉग है अपना ये, तो स्टार्टिंग करते हैं कुछ अच्छा करने की। तो ये लोनार झील, बाकी आप लोगों को लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं बताने वाला हूँ कि लोनार झील कैसा जाना है, लोनार झील क्या करना है, आप लोगों को कैसे चलना है। बाकी तो आप लोनार झील देख लीजिए। चुका हूँ, तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर चलना होता है, आना जाना तकरीबन 3-4 किलोमीटर हो ही जाता है। पैदल चलते चलते मेरी तो जान निकल आई। सो खैर, मेरा ब्लॉग कंप्लीट हो चुका, और थैंक यू माय वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, एंड प्लीज़ यार मुझे सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल शेयर करो यार, मैं चाहता हूँ कि आगे भी बहुत सारे ब्लॉग बनाऊँ। तो सी यू नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय।